हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। अभी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। ओके, टू और मोर फ्रैक्शंस Representing the same part of a whole are called equivalent fractions. ओके, मतलब टू गेट ए, मतलब अगर हमको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, सेम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमको एक नॉन जीरो नंबर मिलेगा, उसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। वो कैसे, एग्जांपल लेके समझेंगे। राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट टू 3/4। तो हम कैसे करेंगे, 3/4 इज इक्वल टू 4 × 3/4 × मतलब आपको न्यूमरेटर में जो भी मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है, और न्यूमरेटर में आप जो भी डिवाइड करोगे सेम डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 3 करेंगे, 3 करेंगे, नेक्स्ट 4, 4, 5, 5। क्यों मैं 2, 3, 4, 5 लिया, क्योंकि हमको पूछा गया है 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 3/4। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो जो भी वैल्यू आएगा ये हमारा इक्विवेलेंट टू 3/4 ही होगा। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, 5/7। 5/7 का क्या करेंगे, 5/7 इज इक्वल टू 5 × 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, और 1 अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे वो ही सेम 5/7 ही आएगा, इसलिए हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7 में भी 2 करेंगे इज इक्वल टू 5 × 3, 7 × 3, 5 × 4, 7 × 4, 5 × 5, 7 × 5, 1, 2, 3, 4, 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 3/4, 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/7। तो ये सबको हम मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएंगे ना, ये 5/7 के साथ सारे इक्वल ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, वी नो 15 इज इक्वल टू 3 × 5, देन वी मल्टीप्लाई the denominator also by 5, मतलब ये जो 15 दिया गया है, न्यूमरेटर जो 15 दिया गया है 3 × 5 हो गया, तो हमको डिनोमिनेटर में भी 5 मल्टीप्लाई ही करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देयरफॉर 3/4
इज इक्वल टू 3 × 5, 4 × 5, इसका मतलब जो वो पूछा है राइट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 विथ न्यूमरेटर 15, विथ न्यूमरेटर 15 दे दिया और 3 टेबल में हमको मिल गया कि 3 × 5, 15 है, मतलब 3 में अगर आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर मिल जाता है, अगर हम 3 में मल्टीप्लाई 5 किया तो 4 में भी हम 5 ही मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर में जो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे सेम आपको डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 और ये 20, तो आंसर हमको ये मिल गया। ओके, और एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। राइट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/8, ओके, विथ डिनोमिनेटर 56। तो कैसे करेंगे, पहले हमको लिख देना है क्या क्या है गिवन है। ओके, 5/8 है और डिनोमिनेटर में 56 है, बस ये हमको निकालना है। तो 8 में वी नो 8 टेबल में 56 है, फर्स्ट आपको चेक करना है कि नहीं। ओके, तो 8 में 8 × 7 = 56। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, अगर हमने 56 डिनोमिनेटर में 56 लाने के लिए 7 मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी 7 मल्टीप्लाई ही करना है। नेक्स्ट, टू टेस्ट वेदर टू गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। ओके, दो गिवन फ्रैक्शन दिए रहेंगे, वो दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं हमको चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे, लेट a by b and c by d are two given fraction. Okay? तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। a by b इसको और इसको c by d को करना है। अगर इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, ओके, देन ए बाय बी इज इक्वल टू ए बाय बी एंड सॉरी ए बाय बी एंड सी बाय डी आर, अगर ए इफ ए डी इज इक्वल टू बी बाय ए डी इज इक्वल टू बी सी, देन ए बाय बी एंड सी बाय डी आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉट। ओके, ए बाय बी और सी बाय डी टू गिवन फ्रैक्शन दिए रहेंगे, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है a इंटू डी बी इंटू सी। अगर ये दोनों का आंसर सेम आया तो ये इक्विवेलेंट है, नहीं तो वो दोनों नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, दो गिवन फ्रैक्शन दिए गए हैं, ये दोनों हमारा इक्विवेलेंट है कि नहीं हमको टेस्ट करना है। सॉल्यूशन क्या करना है, फर्स्ट 5/8 एंड 20/32, ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव 5/8, देखो 20/32, तो नाउ
फाइव इंटू 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 20। ओके टोटल हमारा आंसर 160 हो गया। देयरफॉर 5 इंटू 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 20। हेंस 5/8 एंड 20/32 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके ये a बाई बी सी बाई डी दो फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, तो 5/8 हमारा a बाई बी है, 20/32 हमारा c बाई डी है, तो दोनों का आंसर हमारा सेम आया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, तो इसीलिए ये दोनों हमारा क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, ऐसे हमको चेक करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।